हेलो दोस्तों, दिस इज रमी राइडर फ्रॉम एनसीआर मोटरसाइकिल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये कोई बाइक वाइक के ऊपर नहीं है, बल्कि मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। क्या होता था जब मैं बाइक चलाता था मार्केट में, कहीं जा रहा हूँ राइड वाइड पे, तो एक चीज़ की दिक्कत आती है। सबसे ज़्यादा परेशान करता था मुझे मेरा फ़ोन, कि फ़ोन आता है तो बाइक रोक के पहले, मतलब या तो फ़ोन बजता ही रहता है, वरना बाइक रोक के साइड में लगाओ या हेलमेट के अंदर घुसाओ, ये सब दिक्कतें आती थी जो मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। दिक्कत आती थी, बाइक रोकनी पड़ती थी। खैर, बाइक रोकनी तो पड़ती है, बहुत चलाते हुए राइड करते हुए बात नहीं करनी चाहिए हमें फ़ोन पे, बट हेलमेट उतारना लगाना ये सब बहुत झमेले वाली बात है। तो आज इस टॉपिक के ऊपर वीडियो है। जो बंदे नहीं देखना चाहते, मतलब प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को पूरी देखिए, क्योंकि बहुत काम की आने वाली वीडियो है। दोस्तों, मेरे पास एक गिफ्ट आया है gearbest.com से। मतलब एक gearbest एक साइट है जिसमें हमारी ऑटोमोटिव जितने भी पार्ट्स हैं, एसेसरी, मतलब एक शॉपिंग जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इस टाइप का एक है gearbest.com। उन लोगों ने ये मेरे पास एक ब्लूटूथ डिवाइस भेजा है gearbest.com से। ये ब्लूटूथ डिवाइस आया, इसके कई सारे फंक्शन है। पहले मैं आपको बताता हूँ, इसको अनबॉक्सिंग भी करता हूँ जैसे मेरे पास आया। अभी तो मैंने खोल के दिखा दिया, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास आया तो ये कैसे खोला है, मैंने क्या करा है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ आई है। दोस्तों, तो इसके अंदर क्या है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी तरफ से मेरे पास आया है, इसलिए मैं इससे पहले काफ़ी गियर वैसे काफ़ी चीज़ मैंने खरीदी है, मंगाई है, बाइक के एक्सेसरी, यहाँ तक कि जो मेरा डिजिटल मीटर था जो ऑर्डर पे मैंने मंगाया था कि उसका साइज़ भी छोटा करके मंगाया था, वो gearbest.com से ही मंगाया था मैंने। काफ़ी अच्छा रिजल्ट रिस्पॉन्स मिला मुझे उससे। उस पर मैं लास्ट टाइम वीडियो भी बनाई थी उसके डिजिटल मीटर की। तो मैं ज़्यादा जो शॉपिंग करता हूँ वहीं से करता हूँ, तो उन्होंने ये मुझे एक गिफ्ट भेजा है। और ये भी है कि मैंने सोचा कि क्यों ना इसको बताया जाए, कि लोगों में पहुँचाया जाए, क्योंकि मुझे लगा ये यूज़ करके खुद ही काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आइए पहले इसको मैं खोल के देखता हूँ उसके साथ क्या क्या मिला मुझे। ये है वो पैकेट जो आया gearbest से, आप देख सकते हैं gearbest। तो इसको मैं खोलता हूँ। इसके अंदर ये चार्जर है, इसको मैं थोड़ी देर में खोलता हूँ। ये ब्लूटूथ डिवाइस है, ये इसकी मैनुअल है कि कैसे 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 यूज़ करना है। तो बेसिकली ये जो मैनुअल है, इसके अंदर आपको लेने के बाद मैनुअल पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी फंक्शन है। बटन कौन सा कैसे काम करता है, इसके कैसे फिट करना है और कैसे फोन, काफ़ी काम के। तो ये पूरा मैं आराम से इसको पढ़ूंगा और दिखाता हूँ इसके डिब्बे के अंदर क्या है। तो डिब्बे के अंदर है ये डिवाइस जो हमारी हेलमेट के साइड में लगी, मैं दिखा दूंगा अभी कैसे लगेगी। इसकी मैनुअल में भी लिखा हुआ है, यही हमारा मेन ब्लूटूथ जो है, इसको मैं अभी साइड में रखता हूँ। बाकी इसके साथ ये आई है पूरी किट, इसको खोल ही लेते हैं। इसमें से ये निकला है, बेसिकली ये इसके स्पीकर्स हैं जो हमारे इसकी पूरी वायर है। ये वायर है, ये हमारे स्पीकर्स फिट हो जाएंगे उसके अंदर, अंदर ही अंदर ये फिट होगा। और इसका माइक है जो स्पीक पे भी इस टाइप से रहेगा सामने, तो हमारा जो हेलमेट होगा हेलमेट पे लगेगा। कुछ इसके जिसकी चार्जिंग केबल है, बेसिकली जो हमारी ऑक्स केबल है माइक वाली, उसी से चार्ज होगा। चार्जर अडैप्टर हमारा सेम रहेगा, चार्जिंग के लिए चार्जर अडैप्टर हमारा सेम रहेगा, अडैप्टर में लग जाएगी पिन, और ये वाली हमारे इसके ब्लूटूथ डिवाइस के ऑक्स में लगेगी। ओके, तो बेसिकली ये जो है इसके इसके साथ की है एक और एक्स्ट्रा। अगर आपके पास दो हेलमेट हैं, देखिए एक तो इसमें लग के आई है, ये हमारी डबल टेप है
तो इसको हम अपने हेलमेट में लगा लेंगे। इनके साथ हेलमेट चेंज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये दो एक्स्ट्रा आई हुई हैं, तो उसमें लगाइए आप जब मर्जी इसको लगा सकते हैं। ये ऐसे वेलक्रो है, ये ईजिली रिमूवेबल है, उसको लगा सकते हैं, अच्छी चीज़ है काफ़ी। तो और बेसिकली ये जो है ये इसका होल्डर है, इसको मैं अपने हेलमेट में फिट कर लेता हूँ, इसका होल्डर है। इसके स्क्रू पेच और ये एलन की प्लस स्क्रू ड्राइवर यहाँ से। तो इसको आइए मैं बस, मेरे पास स्टील वर्ड का रेस ट्रैक हेलमेट है उसमें फिट करते हैं इसको। तो मेरे पास ये स्टील वर्ड का रेस ट्रैक हेलमेट है और मैं ये वैसे बेसिकली इसके साथ आता है, तो मैं इसको जब मैं हाईवे पे जाता हूँ तो ना ये हेलमेट दिक्कत करता, तो मैं इसको हटा दिया, इसको प्लेन रखता हूँ। तो इसके अंदर मैं इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मैं इसको रिमूव करूँगा। वैसे ज़्यादातर आजकल जितने भी हेलमेट आ रहे हैं सब में ये रिमूव वाला है। इसको मैं इसकी कैप हटा लूँगा, ये इसकी कैप हटा दी। अब जो इसकी वेलक्रो है, वेलक्रो पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ऊपर ये हेलमेट लगा के आपको सेट देखना कि कान आपके किस जगह आ रहे हैं। तो बेसिकली मेरे कान इस जगह आ रहे हैं, ज़्यादातर यहीं पर आते हैं, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ पेस्ट कर रहा हूँ। एक चीज़ और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर इसको लगाने के बाद अगर आपकी बाइक स्पीड भी चल रही है तो इसमें आवाज़ बिल्कुल क्लियर आएगी, जैसे वह नॉर्मली हम हेडफोन वगैरह यूज़ करते हैं तो आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आती है। तो इसको लगा के आप बिंदास रहिए, आवाज़ बहुत अच्छी क्लियर आएगी, मैं टेस्ट कर चुका हूँ ये चीज़। तो लगा लिया है और जैसा इसके अंदर एक इसके साथ एक चार्जर भी आया है, ये हमारे बाइक का मोबाइल चार्जर है जो कि टूरिंग पे काम आता है। इसमें दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे, देखिए जो कि और चीज़ में नहीं आती कि इसके अंदर एक फ्यूज़ है, और जैसे बाहर के जितने भी आप मतलब चाइनीज़ वो आई हैं तो उनके अंदर फ्यूज़ नहीं आता, इसके अंदर फ्यूज़ है। इनके शॉर्ट हो तो फ्यूज़ उड़ जाएगा, आपकी वायरिंग सेफ़ रहेगी, वरना बाकी सारे डायरेक्ट लगते हैं, हमें फ्यूज़ एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। और ये हम निकालेंगे, इसकी रबड़ है, ये हैंडल में हमारे हैंडल पे या चेसी पे कहीं पे भी टाइट कर सकते हैं इसे। ये वाटर इधर से तो वाटर प्रूफ है, यहाँ पे रबड़ कैप लगा रखी है जो कि मैं कहूँगा ठीक ठाक क्वालिटी में, ये नहीं ज़्यादा इसके नहीं बताऊँगा, ठीक है क्वालिटी की रबड़ है। इसमें यहाँ एक स्विच है, USB पॉइंट है, और हमारे भाई जो स्मोकिंग करते हैं जो कि बहुत गलत करते हैं, बट उनके लिए ये लाइटर है, और बेसिकली उनके लिए लाइटर नहीं है, ये एक ऑप्शन है क्योंकि कारों में आया करता था, ये बेसिकली चार्जिंग के लिए है। क्योंकि हमारे बहुत से राइडर क्या करते हैं, वो GPS लेके चलते हैं, गाड़ी वाला GPS यूज़ करते हैं, तो उनका जो चार्जिंग पॉइंट होता है वो USB के साथ साथ ये वाला होता है, या तो USB का या हमारी गाड़ी पंचर होती है, जैसे हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक पंप लेके चलते हैं, तो उनके पास USB का पॉइंट होता है ना इलेक्ट्रिक के लिए चलाने के लिए, उनको एक लाइटर वाले सपोर्ट की जरूरत पड़ती है पावर की। तो ये 12 वोल्ट के लिए हमारे डायरेक्ट होता है, ये लाइटर वाला है जो हमारा जो एयर पंप आता है बेसिकली लाइटर में लगता है, तो ये लाइटर वाला उसी के लिए, एयर हवा डालने के लिए और सिगरेट पीने के लिए। जिन भाई सिगरेट पीते हैं वो सिगरेट पिए और जिनको हवा बननी वो हवा बने। तो दोस्तों ये दो चीज़ आई तो काफ़ी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, आप भाइयों की वजह से ये सब चीज़ मुझे मिली है तो उन लोगों ने दिए और काफ़ी अच्छी है। तो मैं ये यूज़ करा, मैंने ये ब्लूटूथ डिवाइस इसके अंदर लगाया है, देख सकते हैं पूरा फिक्स कर लिया है, मतलब बस एक ये बाहर रहेगा हमारा, और ये वाटरप्रूफ है। और दोस्तों एक चीज़ और, अगर आप राइडर का आपका ग्रुप है तो ये आप बल्क में मंगाइए, और अगर आप जा रहे हैं एक साथ राइड पे तो ये कनेक्ट रहेंगे आपस में। मैनुअल में भी लिखा है कि कैसे कनेक्ट करना है सब कुछ, आप जब मंगाएंगे, जैसे मान ली मैं चल रहा हूँ और दूसरी हमारे साथ मेरे साथ एक और राइडर है और हम आपस में कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते, मतलब बातचीत करने के लिए हमें या तो स्लो करनी पड़ती है कुछ, तो इसमें क्या आप लगाइए ब्लूटूथ से कनेक्ट करिए। काफ़ी अच्छी रेंज है इसकी किलोमीटर की, काफ़ी मतलब अराउंड 500 मीटर के आसपास की रेंज है, मतलब अगर कोई दूर भी जा रहा है तो आपको इससे मतलब बिना किसी रिचार्ज के बिना कॉल करे आपकी इससे बात होती रहेगी,
GPS, मतलब एक दूसरे से बात कर सके, तो हमें बाइक में घूमने की जरूरत नहीं। काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे और मैं इससे काफ़ी बेनिफिट, मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से। जब मैं चलती बाइक पे भी फ़ोन उठा लेता हूँ इसकी वजह से, चलती बाइक पे फ़ोन उठा के जब फ़ोन उठाते तो हमें बाइक रोकनी है, क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं हमारा दिमाग सारा बातों में जाता है, हम राइडिंग पे फोकस नहीं कर पाते। तो प्लीज़ इसको, जब भी आपका फ़ोन आए तो आप बाइक राइड ना करें, बाइक को कहीं साइड में लगा के इंडिकेटर दे के पार्किंग या हैजार्ड लाइट ऑन करके उसके बाद ही बाइक पार्क करें। और दोस्तों इसी, और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, इसको लेना चाहते हैं, इन दोनों में से किसी भी चीज़ को, इसके डिस्क्रिप्शन में, इसके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप जब क्लिक करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इसके ब्लूटूथ का, और साथ में मैं इसके बार कोड भी, मतलब इसमें एक बार कोड है, तो अगर वो आप डालेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि स्पेशली मुझे मिला है वो बार कोड से। तो जब आप ऑर्डर, अगर आपको ऑर्डर करना है आप ऑर्डर करिए, और उसके नीचे आएगा कूपन, अप्लाई कूपन का, तो कूपन कोड होता है, तो कूपन कोड आपको, सॉरी मैं बार कोड बोल रहा था पहले, कूपन कोड होता है, कूपन कोड वहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट का होगा, तो जैसा वहाँ पे हो रहा है वो कॉपी पेस्ट आप वहाँ करें तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा उस चीज़ पे। तो दोस्तों आप अगर आप देखते हैं तो वहाँ से बाय कर सकते हैं और लेना हो तो वहाँ से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है, ऐसे ही मुझे दुआ करूँगा, ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें और कर भी रहे हैं, आपको सब सपोर्ट चाहिए और ऊपर वाले का साथ चाहिए, आप भाइयों की दुआएं चाहिए, तो जो कि मुझे मिल भी रही हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी वीडियोज़ के साथ, तक बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।